नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय एक हफ्ते की यूरोप यात्रा पर हैं। इस दौरान वह फ्रांस पहुंचे और वहां उन्होंने इंडिया और भारत के नाम पर चल रहे विवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संविधान में इंडिया को दैट इज भारत राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत इन राज्यों से मिलकर इंडिया या भारत बना है। सबसे अहम बात यह है कि इन राज्यों में शामिल सभी लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और किसी भी आवाज़ को कुचला या डराया नहीं जाता। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। जो लोग किसी चीज़ का नाम बदलना चाहते हैं वे मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करेंगी और इसी दौरान वह 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगी। वहीं तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी BRS ने कुल 119 विधानसभा सीटों में से 115 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही बता दें कि 17 सितंबर को राज्य में कई कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसी दिन 1948 में निजाम शासन के तहत हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत का भारत संघ में विलय किया गया था। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग कार्यक्रम करने की योजना है। आज G20 समिट के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन PM ऋषि सुनक के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। वहीं इससे पहले खालिस्तान के मुद्दे पर ऋषि सुनक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम खास तौर से PKE खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। G20 पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है। भारत इसकी मेज़बानी के लिए सही समय पर सही देश है। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का बहुत अच्छा मौका होगा। भारत में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ इसका समापन किया और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को अगले साल की G20 समिट के लिए अध्यक्षता सौंपी। PM मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन के दौरान कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आशा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का रोडमैप आनंदमय होगा। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और उन्हें G20 की अध्यक्षता सौंपता हूं। इसके साथ ही PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत ने ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंप दी है। हमें अटूट विश्वास है कि वे समर्पण, दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करेंगे और वैश्विक एकता के साथ साथ समृद्धि को भी आगे बढ़ाएंगे। भारत ने आगामी G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राज़ील को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। G20 समिट के समापन के दौरान ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपे जाने पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो ने कहा कि जब हम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए उस समय मैं भावुक हो उठा था। मेरे राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी का बहुत महत्व है, क्योंकि अहिंसा का मैंने कई दशकों तक अनुसरण किया है। जब मैं श्रमिक आंदोलन के लिए लड़ा था, यही कारण है कि जब मैंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की तो मैं भावुक हो उठा। दरअसल आज रविवार 10 सितंबर की सुबह प्रतिनिधिमंडल के नेता और प्रमुख अलग अलग काफिले में राजघाट पहुंचे थे और उन सभी लोगों ने वहां महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। 2023 के लिए भारत में आयोजित किया गया G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। इसके समापन के कुछ मिनट बाद ही भारत ने चीन को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस परियोजना का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक ब्रिज से करेंगे। दरअसल LAC पर भारत और चीन के मध्य चल रहे तनाव के बीच इस फैसले को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए एयरफील्ड के निर्माण में कुल 218 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
और चीन को सीमा पर कड़ी टक्कर देने के लिहाज से इस एयरफील्ड के निर्माण को काफी अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दो गोपनीय सीलबंद पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि एक पत्र राज्य सचिवालय न बनना और दूसरा केंद्र सरकार के लिए है। हालांकि ये पत्र किस संबंध में है इसे लेकर फिलहाल अधिकारी ने कुछ नहीं बताया और कहा कि इसका खुलासा बाद में किया जाएगा। अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि आपको पत्रों के विषय के बारे में बाद में पता चलेगा। अधिकारी ने संकेत दिया कि यह विषय राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हालिया जुबानी जंग पर हो सकता है। दरअसल विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच जारी जुबानी जंग के बीच शिक्षा मंत्री बसु ने शुक्रवार को राज्यपाल पर राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पर विश्वविद्यालयों में कठपुतली शासन चलाने और रजिस्ट्रारों को उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक नहीं करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। बसु ने कहा कि माननीय राज्यपाल किसी के अहम की तुष्टि के लिए अपनी इच्छा अनुसार लोगों को नियुक्त करके कठपुतली शासन चलाना चाहते हैं। मैं उच्च शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसके बाद राज्यपाल बोस ने आधी रात को बहुत बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बोस ने कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि आज आधी रात का इंतजार करें, आप देखेंगे कि कार्रवाई क्या होती है। वहीं इसके कुछ ही मिनटों में शिक्षा मंत्री ब्रज बसु ने राज्यपाल का नाम लिए बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आधी रात तक देखें कार्रवाई, देखें सावधान, शहर में नया वैम्पायर। नागरिक गण कृपया अपना ध्यान रखें, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस प्रहार का बेसब्री से इंतजार है। कोलकाता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए रेप को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला या लड़की मर्जी से अपना घर छोड़कर किसी के साथ जाती है तो भी उस महिला के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह रेप की श्रेणी में आता है। बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी ने एक व्यक्ति की रेप की सजा को बरकरार रखते हुए यह बयान दिया। दरअसल इस व्यक्ति पर 2007 में एक लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप था। दोषी व्यक्ति ने अदालत में अपने बचाव में कहा था कि पीड़िता लड़की ने अपनी मर्जी से अपने पिता का घर उसके साथ आने के लिए छोड़ा था, उसने उसके साथ कोई भी अपराध नहीं किया। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आपका यह बयान सही भी है तब भी आपके पास पीड़िता का रेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर हम शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता के पहले बयान पर जाएं और अगर यह मान भी लिया जाए कि पीड़िता का अपहरण नहीं हुआ था और उसने खुद अपना घर छोड़ दिया था, तब भी आरोपी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह पीड़ित के साथ निष्ठा का हनन करे या रेप करे या फिर उसके साथ कोई यौन अपराध करे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।